भाई मान लो आपने एक बहुत अच्छी बॉडी बना ली तो भाई अंदर से एक आवाज आने लगती है कि कैसे मैं इस बॉडी को फ्लॉन्ट करूं, लोगों को दिखाऊं। बस एक मौका चाहिए होता है कि कैसे अपनी बॉडी को हम लोग फ्लॉन्ट कर सकते हैं। और अगर मौका नहीं मिलता है तो भाई इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ही फोटो डाल डाल के लोगों को स्पैम कर देते हैं। और क्यों नहीं भाई, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है तो दिखाना बनता है। लेकिन जब आप अपनी शर्ट उतारते हो तो भाई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैसे देखो जरा। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। तो भाई हमने देखा कि बॉडी कितनी भी अच्छी बना लो लेकिन अगर आपके चेस्ट या लेग्स पे बहुत ज्यादा बाल हैं तो बॉडी उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं लगती और आपके कट्स और मसल्स जो है वो भी उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं। तो एक अच्छी बॉडी कैसे बनानी है ये डेफिनेटली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपका जिम ट्रेनर है। लेकिन अगर आपकी बॉडी बन गई तो उसपे से आपको अनवांटेड हेयर्स कैसे हटाने हैं ये जरूर आपको पता लग जाएगा ये वीडियो देख के। तो भाई चेस्ट और लेग्स के हेयर्स पे शेव या वैक्सिंग करना बंद करो, बल्कि जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ वो यूज करो और 5 मिनट में अपने सारी बॉडी हेयर से छुटकारा पाओ। कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, 5 मिनट ही ये वीडियो देखने में लगेगा और उतना ही टाइम आपको अपने बॉडी हेयर्स रिमूव करने में लगेगा। भाई वीडियो एंड तक देखना। तो भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेंस ग्रूमिंग या प्रोडक्ट रिव्यूज रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो। और अगर वीडियो आगे जाके पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आ जाते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। इस वीडियो में 3 चीजों पे बात करेंगे। पहला है प्रोडक्ट कौन सा है और इसको यूज कैसे करना है। दूसरा प्रिकॉशंस की क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तीसरा है प्रोडक्ट का प्राइस की कहीं महंगा तो नहीं है ये प्रोडक्ट। तो भाई मैं पहले ही बता दूं प्रोडक्ट महंगा छोड़ो सस्ता है। भाई सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। तो भाई प्रोडक्ट है न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे। अब लड़कियों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में हेयर रिमूव करने के लिए, लेकिन लड़कों का क्या, लड़के क्या करें, लड़के मर जाएं। ना कोई प्रोडक्ट ना कोई एड, लास्ट ऑप्शन बचता है शेव कर डालो। जहां पे बाल होंगे शेव कर डालो। भाई शेव करने से होता बस ये है कि जैसे ही शेव करो अगले ही दिन बहुत सारे बाल आ जाते हैं। लेकिन फाइनली किसी ब्रांड ने लड़कों की आवाज सुनी और ये प्रोडक्ट आपके सामने है। यूज कैसे करना है कुछ नहीं भाई, आपको जिस भी एरिया में शेव करना है पहले वो आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए बॉटल लो, इसको शेक करो, 1 2 3 4 5 5 स्प्रेज मारो अगर बहुत ज्यादा बाल हैं। और अगर बहुत कम बाल है थोड़े से एरिया में आपको रिमूव करने हैं हेयर तो सिर्फ 2 स्प्रे में काम चल जाएगा। इस वीडियो में लड़के थोड़े से एरिया का हेयर रिमूव करके दिखाऊंगा, तो पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एरिया दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। उसके बाद आपको 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट होते ही आपको टिश्यू पेपर या वाइप लेनी है और सारे हेयर वाइप कर देने हैं और आपके सारे बाल गायब, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब वाइप कैसे करना है, इस प्रोडक्ट के साथ 2 वाइप्स मिली, उन्हें पानी डालो, थोड़ा देर वेट करो, वो टिश्यू बन जाएंगे। बस उस टिश्यू को यूज करके जितने भी हेयर से वो वाइप कर दो, हेयर रिमूव हो जाएंगे, वो वाइप्स खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद आप टिश्यू या कॉटन भी यूज कर सकते हो, बस पानी में उसे डिप करो और फिर उससे हेयर रिमूव कर दो। दूसरी चीज पे आ जाते हैं प्रिकॉशंस की, आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो भाई प्रिकॉशंस और इंग्रेडिएंट्स दोनों ही स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, वीडियो को पॉज करो और सारे इंग्रेडिएंट्स और प्रिकॉशंस अच्छे से पढ़ लो। तो शॉर्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन अभी बता दे रहा हूँ। पहला है नॉर्मल स्किन है तभी इस प्रोडक्ट को यूज करें, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एलर्जी हो जाती है आसानी से तो इस प्रोडक्ट को यूज ना करें। दूसरा है इंटीमेट और सेंसिटिव एरियाज में इस प्रोडक्ट को यूज ना करें हो सके तो। तीसरा है पैच टेस्ट करके देख लिया, पैच टेस्ट करना कैसे, किसी भी एरिया में स्मॉल एरिया में सपोज लेग के किसी स्मॉल एरिया में इस प्रोडक्ट को स्प्रे करें, वाइप करें और हेयर रिमूव करें। अब 24 घंटे के लिए वेट करें, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तभी आप अपनी पूरी बॉडी पे इस प्रोडक्ट को यूज करके देख सकते हैं। चौथा है प्रोडक्ट यूज करने के 24 घंटे बाद तक के उस एरिया में कोई भी डिओड्रेंट या परफ्यूम ना लगाएं, इरिटेशन हो सकती है। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको कोई भी एडवर्स इफेक्ट या अनबियरेबल इरिटेशन होती है तो भाड़ में गया मेरा रिव्यू और भाड़ में गया यह प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट को तुरंत डिसकंटिन्यू कर दे यूज करना। वैसे मैंने भी ये प्रोडक्ट यूज करा, मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले, बस थोड़ी सी इरिटेशन होती है। मान लो अगर आपने कभी विक्स वेपर अप या आपने मूव स्प्रे लगाया होगा तो थोड़ी सी जलन या थोड़ी सी ठंडक लगती है उस एरिया में थोड़ी देर के लिए, तो बस समझ लो उसका 30% इस प्रोडक्ट में भी इरिटेशन होगी, वो भी जब आप इस प्रोडक्ट को वाइप करोगे साफ करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगी तुरंत। तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका प्राइस की कितने का है ये प्रोडक्ट। तो भाई मैं बता दूं कि इस प्रोडक्ट को अगर आप एक बार यूज करके अपने चेस्ट या लेग्स के हेयर रिमूव कर रहे हैं तो भाई एक बार यूज करने की कॉस्ट आपको 10 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। कैसे,
तो अब करते थोड़ा सा कैलकुलेशन। आई नो मैथ्स आपको पसंद नहीं होगी, मुझे भी नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो 22 ml की बॉटल 290 रुपए की, और आप मिनिमम इससे 150 स्प्रेस तो खरीद सकते हो। तो 290 रुपीज डिवाइडेड बाय 150 स्प्रेज इक्वल्स टू 1.93 रुपीज, 2 रुपए मान लो, 2 रुपए है इसकी एक स्प्रे की कॉस्ट। और अगर आप अपनी चेस्ट की है रिमूव कर रहे हो, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर आपके बाल अनिल कपूर जितने हैं चेस्ट पे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्प्रेज आपको करने हैं। तो 2 रुपीज इंटू 5 इक्वल्स टू 10 रुपीज, 10 रुपए है एक बार अपने चेस्ट के पूरे बाल रिमूव करने के। आप दाढ़ी भी अपनी बनवाते हो तो भाई इतने छोटे से एरिया के 30 से 50 रुपए देने पड़ते हैं, और आप अपने चेस्ट के पूरे बाल हटा रहे हो, इतने एरिया के पूरे बाल हटा रहे हो वो सिर्फ 10 रुपए में, तो भाई क्या हो रहा है। अगर आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से खरीद सकते हो। और अगर आपको अपनी छाती के बालों से या लेग्स के बालों से कोई दिक्कत नहीं है तो भाई मत खरीदो उस प्रोडक्ट को, सिंपल। मैंने बस आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको ऐसी कोई जरूरत इनकेस पड़ जाए तो आपको ये प्रोडक्ट काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्रोडक्ट रिव्यू और ग्रूमिंग टिप के साथ। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए बाय।